दिल्ली विश्वविद्यालय में आज वीसी के इस्तीफे पर जमकर ड्रामा हुआ। पहले कुलपति की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इसके बाद इसे खारिज कर दिया गया। इस बीच चार साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पर कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया। यूजीसी और वीसी अपने अपने रुख पर कायम है। दिल्ली विश्वविद्यालय में चार साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को कायम रखने पर कुलपति दिनेश सिंह अब भी अड़े हैं। उन्होंने पहले इस्तीफे की घोषणा की थी, लेकिन एकेडमिक काउंसिल के अनुरोध पर इस्तीफा नहीं दिया। उधर यूजीसी ने साफ कर दिया है कि वो चार साल के पाठ्यक्रम की इजाजत नहीं दे सकती। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस मामले पर यूजीसी की बात डीयू को मानना ही होगा, लेकिन कुलपति अब यूजीसी के खिलाफ कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू चैलेंज द यूजीसी डायरेक्टिव। वीसी दिनेश सिंह के समर्थकों का दावा ही होगा, लेकिन कुलपति अब यूजीसी के खिलाफ कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू चैलेंज द यूजीसी डायरेक्टिव। वीसी दिनेश सिंह के समर्थकों का दावा है कि यूजीसी के चेयरमैन वीसी पर बेजा दबाव बना रहे हैं। उन्होंने बोला वीसी को कि आप देखिए रास्ते से हट जाइए, क्योंकि नहीं तो आपके खिलाफ FIR दर्ज के कागज तैयार हैं। इस किस्म की धमकी यूजीसी के ऑफिशियल्स किसी वाइस चांसलर को दे, ये तो सपने से नाइटमेयर से भी बदतर की बात है। सवाल ये है कि मौजूदा हालत में पहले से चार साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत पढ़ाई कर रहे छात्रों का भविष्य क्या होगा। डिसिप्लिन 1 और 2 करके 3 साल में उनको ऑनर्स डिग्री मिल जाए, और जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं वो बीटेक के स्टूडेंट्स को 4 साल में बीटेक मिलना चाहिए, उनके कंटेंट को टेक्निकल बनाना चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए उनको बचाने के लिए। देखिए ये जो कर रहे हैं इसमें अंधकार में सब कुछ नजर आता है, और यूनिवर्सिटी अगर कोई फैसला लेने के बाद भी उसके साथ बरकरार नहीं रह सकती है, उसका क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पूरे मामले पर सियासत गर्म है। कांग्रेस वीसी के समर्थन में है, तो बीजेपी यूजीसी के रुख को सही बता रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय जो एक बहुत ही पुराना विश्वविद्यालय है, जिसकी एक अपनी गरिमा है, उसका पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है कि किस तरह का विश्वविद्यालय है जो तय ही नहीं कर सकता कि 4 वर्ष का कार्यक्रम उनको चाहिए कि 3 वर्ष का कार्यक्रम चाहिए। ये बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया, और जो मैं ये कह रहा हूँ फ्रॉड किया गया है उसके तथ्य हैं, और कांग्रेस इस फ्रॉड जो वीसी ने किया है उसको वो प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। शिवानी त्यागी और यतेंद्र शर्मा के साथ राशिद हाशमी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि डीयू के वीसी से तनातनी के बीच यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक नई रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया। इसका असर सामने आ गया। वीसी भले इनकार कर रहे हों, लेकिन डीयू के 64 में से 57 कॉलेज 3 साल के कोर्स के लिए राजी हो गए। वहीं यूजीसी ने नया निर्देश जारी कर कहा है कि डीयू के सभी कॉलेज 3 साल के पाठ्यक्रम में दाखिला शुरू कर दें।